किसको दिया? ये तो वो साला से लेके आया। तो भैया आए स्पेशली आर1 ठीक करने, वो वाली आर1 ठीक है, ये बड़ी वाली खराब हो रखी है और इसने परेशान कर रखा है, इतने टाइम से चल नहीं रही है ये और इतना बुरा लगता है मेरे को, और मेरे को लगता है मेरे से ज्यादा सौरभ को बुरा लगता है कि भाई ये चल नहीं रही, वरना दोनों भाई साथ निकलते। तो भाई आज होपफुल है बिकॉज ही इज एक्सपर्ट, इन्होंने पहले भी आर1 पे काम किया हुआ है, यहाँ पे हमने कोशिश की थी अन्य लेवल पे, बट दास दीपांकर जो है वो उसने बड़ी बाइक्स पे काम नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से ये खोल दिया था पर घंटा कुछ समझ नहीं आया तो वो ऑफिस वहीं रख दिया हमने सब यहाँ पे, भैया आगे लेके भैया आगे जोड़ेंगे। तो अभी देखते हैं गाइस इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। और मैंने इसकी बात कर रखी है बाइकर्स पैराडाइज के साथ, तो पता है कौन सा एग्जॉस्ट आ रहा है? टोस का। अभी हम इसमें टोस का एग्जॉस्ट लगाएंगे और फिर आएगी भाई क्रॉस प्लेन की आवाज़। तो गाइस स्टे ट्यून्ड और देखते हैं ये ब्यूटी कैसे ठीक होती है। तो भाई यहाँ सिस्टम हैंग हो गया, टैंक ही आउट हो गया। इसके बाद हम कोशिश करेंगे पार्क प्लग निकाल के भी चेक करने की कि भाई उसकी भी तो जरूरत नहीं है चेंज करने की इग्निशन के लिए, वो भी हो सकता है रीजन, हो सकता है भैया? नहीं नहीं, उसके लिए इग्निशन आपका प्लग के लिए गाड़ी स्टार्ट होगा फिर बोलो ऐसा सिस्टम नहीं, वैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर उसमें क्या होता है अगर स्पार्क प्लग गंदा हो या चेंज? उसमें क्या होता है ना, गाड़ी थोड़ा सा मिस करता है, लैकिंग करता है, लैकिंग के इशू, गाड़ी आप सुना गाड़ी में चल रहा है, हां हां, थोड़ा सा साउंड का आपका भट 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 मतलब लैकिंग टाइप का साउंड होता है। ओके ओके ओके, तो वो भी एक बार सिंस भैया आ ही गए हैं तो फुल चेक करा लेते हैं उसका, फुल थ्रॉटल। ये इसका खुल गया है, ये इसके सिलेंडर्स हैं, थोड़ा बहुत इसको भी साफ करेंगे, और ये एयर फिल्टर है, क्या हालत है आगे से देखो। चला ही कहाँ जो साफ करना है, वही तो वो भी बात सही है। मैं तो लग रहा पिछले 7 महीने में चली है 4 किलोमीटर भाई, थ्रॉटल बॉडी खोल रहे हैं और मल्टीमीटर भी मंगा लिया है और LNT भी मंगा लिया 5 नंबर, और अब इसकी पूरा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, पता चलेगा एक्चुअली कि बीमारी क्या है और फिर उसका सलूशन आज होगा या बाद में होगा देखते हैं, बट बीमारी आज पक्का पता चल जाएगी। तो गाइस ऐसे कुछ हमने खोल दी है, टैंक खोला था फिर दोबारा निकाला फिर जोड़ा, बैटरी के लिए मल्टीमीटर मंगाया, जंपर मंगाया, एडिशनल बैटरी मंगाई, ये कंबर्शन हेड खोल रखे हैं और मतलब मान लो खुली रखी है और थोड़ी बहुत बची है, अभी वो गए हैं सामान लेने, थोड़ा सामान लाना, एंड आज तो लाइट चल पड़ी यार, मज़ा आ गया वहन से लाइट देख के, गुड यार। तो हम होपफुल की बाइक ठीक हो जाएगी और अच्छे से ठीक हो जाएगी, फिर अब कंटिन्यू रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे आर1 पे भी। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, ये वाला मल्टीमीटर लाए थे अब छोटा वाला चाहिए, तो लेट्स सी। ए वन बैटरी, बैटरी चेक करेंगे इस मल्टीमीटर से, नॉर्मली कितना आना चाहिए वैल्यू? नॉर्मली आपको 1300 आना चाहिए। 1300 ओके, अगर उसके ऊपर या नीचे है तो? ऊपर होने से भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर नीचे आ गया तो फिर प्रॉब्लम है, मतलब बैटरी में प्रॉब्लम है फिर? बैटरी में नहीं, बैटरी में भी इशू होने से भी आपका चार्जिंग नहीं उठेगा एक नंबर बाद, आज अभी बैटरी आपका गाड़ी सेट करेंगे थोड़ा देर चलाएंगे बैटरी ऑटोमेटिक बार रख दिया गाड़ी का बैटरी डाउन हो गया तो बैटरी का इशू। चार्जिंग कॉइल क्या काम है, गाड़ी जब चलाते हैं आप तब गाड़ी वोल्टेज रेगुलेटर मैग्नेट से एसी करंट जनरेट होता है, करेक्ट, ठीक है, एसी से आपका रेक्टिफायर में डीसी करंट मतलब एसी को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके बैटरी पे आता है डीसी, उसके बाद आपको ओके। तो गाइस ये आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, सिर्फ बैटरी उठा के चेंज नहीं करनी होती, ये सारी चीज़ें भी समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं अगर आप खुद एक मोटो एंथुजियास्ट हो, और नॉर्मली 0-0 आना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस चेक करता है ना ये? हाँ ये रेजिस्टेंस हाँ। कम बैटरी के साथ थोड़ा सा अलग है, ये बोल्ट 12 से 21 जंप स्टार्ट कर रहे हैं एक दूसरी बैटरी को इसके ऊपर रख के, get anything the same way, gotta build
build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll दो तीन जन्म की तो लगी रही है। बंद कर यार दरवाजा। हाँ जल्दी कर। जाए जी जाओ यहाँ से। ऐसे मत करो फालतू टाइम में। सॉरी हमने गाय भगाई इस ब्लॉग में। तो ये जो आपने खोला इसको क्या कहते हैं? इसको थॉटल बॉडी बोलते हैं। थॉटल बॉडी। ये जो वो थॉटल बॉडी कवर है? लेता है। ये दोनों साइड से जाता है? दोनों साइड से जाता है। हाँ, ये जो ये एयर चैम्बर है ना इनटेक के, इनटेक के से अंदर फिर एयर फिल्टर से क्लीन होके आता है और यहाँ पे कंबशन होता है। एयर फिल्टर से क्लीन नहीं, मतलब उधर से आता है हवा, एयर फिल्टर में जो मैला हुआ अटकता है, उसके बाद फ्यूल का जो प्रेशर है वो एयर का वजह से फ्यूल का प्रेशर जाता है। तो इसके अंदर होता है कंबशन, इनके चैम्बर्स के अंदर। चैम्बर्स का मतलब हेड का अंदर। हाँ, हेड का अंदर पिस्टन कंबशन करता है। और ये क्या है ये बगल में? ये बटरफ्लाई एक्सीलेटर का। ओके, जो एक्सीलेटर में किया है बटरफ्लाई, जितना करोगे उतना ज्यादा फ्यूल का पावर बढ़ेगा। फ्यूल का पावर नहीं, एक्सीलेशन, ये है ऑटोमेटिक। जब चाबी ऑन करेंगे उसके बाद एक्सीलेटर का सब काम करेगा। ओके, अभी सिर्फ सिंगल सिर्फ एक्सीलेटर काम कर रहे हैं, सब काम नहीं कर रहे, इसको हाथ से खेलना पड़ रहा है। समझ गया। चाबी ऑन करेंगे उसके बाद ये सब काम करेगा। ठीक है ठीक है। थॉटल बॉडी क्लीन हो रही है? थोड़ा बड़ी क्लीन नहीं हो रही है, अभी होगा बाद। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी थोड़ा आपका गाड़ी में ज्यादा गंदा हो गया है। अंदर अंदर के कीटाणु मारे जा रहे हैं। कर खोल से और लगता है आपको? हाँ, आपका हाथ घुमा नहीं सक रहा है भाई। लोग अभी का अपडेट ये है कि आज के लिए पैकअप कर दिया है, ये पूरी खोल रखी है उन्होंने, टूल यहीं छोड़ दी है, टैंकी निकाल रखी है, सब खोल रखा है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी कल इसका फोक ऑयल चेंज होना है, फोक सील चेंज होने हैं और बाकी सारा काम इसमें कल होगा। तो फिर हमने आज के लिए पैकअप कर लिया और अपना गैराज को फिर से बंद कर रहे हैं। अभी सारा सामान बाहर रखा हुआ है और बाकी का कल देखते हैं भाई। होपफुली जल्दी से ठीक हो जाए आर1 और फिर इसको निकालेंगे और इसको थोड़ा आराम देंगे, क्योंकि इट्स टाइम टू रोर। फाइनली इसका आगे का चक्का भी निकल गया और इसके फोक निकलेंगे। फोक सील इसका लीक था, फोक सील आ गया है, फोक ऑयल आ गया है, फिर उसके ढंग से इसकी पूरी सर्विस हो रही है। तो इसके बाद होपफुली कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आर1 में, आगे से ऐसी लग रही है खुलने के बाद। और देखो सब सामान निकल गया और देखते रहो भाई कैसे ठीक होती है। ये देखो भाई थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो रही है और इतना गंद निकला है इसके अंदर से कि जैसे कभी क्लीन ही ना हुई हो। और इतनी जल्दी तो ख़राब होनी नहीं चाहिए क्योंकि यूज़ ही नहीं हुई है 8 महीने में, तो 6 किलोमीटर तो चलिए इनके। पर भैया ढंग से पूरा इसको साफ़ कर रहे ताकि परफॉर्मेंस में भी इससे इंक्रीज़ होता है। और रेगुलर मेंटेनेंस में थॉटल बॉडी क्लीन करनी चाहिए, है ना भैया? रेगुलर मेंटेनेंस में करना चाहिए, थॉटल बॉडी जाम भी हो जाएगा आपका गाड़ी जैसा। मिस मारेगा? मिस नहीं, एक गाड़ी जाम हो जाता है जैसा सोलर रनिंग बॉल होना, गाड़ी थोड़ा पिकअप देने से स्मूथनेस ना होना। अच्छा, थॉटल बॉडी का वजह से होता है। और कितने रेगुलर इंटरवल में करना चाहिए थॉटल बॉडी क्लीन हमें? 6,000 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक, मैं इसको फोक सील लीक कर रहा था तो उसको भी खोल दिया और अभी ड्रेन होने दे रहे हैं। और ये सब सामान बाहर रखा हुआ है और ये भी खोल दिया, सब खोल दिया। देखो थॉटल बॉडी कितनी क्लीन लग रही है, अभी और भी साफ की जाएगी, बट अंदर से हेडर्स कितने क्लीन हो गए हैं, कह रहे हैं इसके बाद और स्मूथ हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे थॉटल बॉडी वगैरह क्लीन करके इसके हेडर्स का हेड लगा दिया और फ्यूल का टैंक लगने के बाद ये कनेक्ट होगा उसके साथ। अभी यहाँ पे इसका पूरा फोर्क सील टूट गया है या लीक है, इसको चेंज करेंगे। लीक तो लीक हुआ है तो फोर्क सील की जरूरत नहीं है फिर? लीक हो गया, भीतर में स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग का टेम्पर कम हो जाता है या रबर कट जाता है तो लीक हो जाता है। ओके, तो अभी हम फोर्क सील यूज़ करेंगे इसमें? करेंगे, तो हम फोर्क सील यूज़ करेंगे और वो फोक ऑयल पड़ा उसको भी हम इसमें डालेंगे और फिर जादू देखेंगे। जादू ये यहाँ पड़ा। तो भाई लोग फाइनली टैंक वापस जुड़ गया है, बैटरी कनेक्ट हो रही है और फाइनली पुश करके देखेंगे कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है
इसका जो फोक है ये खोल रखा है सस्पेंशन, बट इसके लिए एक अलग से रेंच चाहिए था वो मंगाया है, ये इसमें देसी जुगाड़ कर रखे हैं इसको ओपन करने के लिए। तब तक हमने कहा कि इसको चेक कर लिया जाए R1 को कि ऑन हो रही है नहीं हो रही है। राइट वाला खोला है, लेफ्ट वाला ठीक है। तो अभी इसमें फ्लूइड वगैरह भरेंगे, फोक सील चेंज करेंगे और इसको लगाएंगे। बैटरी वगैरह का काम भैया ने ठीक कर दिया, अब ऑन हो रही है एकदम से। बस ये शॉकर का काम बचा है, उसके बाद गाड़ी रेडी है ब्रो। ओके, तो इसमें प्रॉपरली इसको मक्खन लगा रहे हैं, मक्खन लगा के वापस डालेंगे।